मीटर ब्रिज का पहला एग्जांपल है, ये आपके सामने एक्स सिक्स ओम अननोन छः चालीस साठ, ये बैलेंसिंग लेंथ है। वो कह रहे हैं ब्रिज को बैलेंस्ड है, ब्रिज बैलेंस्ड है, और ये ना रेजिस्टेंस की वायर 1 ओम पर कर लो पर सेंटीमीटर है, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर है। आपको एक्स निकालना है पहले, तो चलो पहले एक्स निकालते हैं। देखो आप इसमें मीटर ब्रिज का पहले फॉर्मूला चेक करोगे, कोई फॉर्मूला चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स इस पी डिवाइडेड बाय क्यू, लेकिन जो पी और क्यू है वो लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो पी की प्रपोर्शनल टू 40 और क्यू प्रपोर्शनल टू 60, तो कुछ भी ना करो ऐसे करो एक्स अपॉन सिक्स इज इक्वल टू 40/60, तो एक्स आ गया। तो पहला पॉइंट आ गया, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब आपको ये बताना है कि इसमें करंट कितना जाएगा बैटरी में से। अब मुझे ये पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है अननोन, इसकी वैल्यू कितनी आई 4 ओम, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, तो बीच वाली वायर को हटा दो, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 4 और 6 10, और ये वायर 100 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम, तो 100 सेंटीमीटर की कितनी है 100 ओम, 110 किसमें कनेक्टेड है इन पैरेलल, क्योंकि यहां से 10 आएगा यहां से 100 आएगा, 100 और 10 पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। टोटल करंट आए क्या आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जब बीच वाली वायर हट गई तो ऊपर की दो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आंसर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक आर है एक एस है, मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग पॉइंट वो कह रहे हैं 60 सेंटीमीटर पे है, तो ये अगर 60 है तो बोलो ये कितने है 40 है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन और ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है, ये बात पक्की है, तो रेशियो क्या बनेगी, आर डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 60/40। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, केस नंबर वन? तो केस नंबर वन क्लियर है, तो आर डिवाइडेड बाई एस इज 60/40। सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर 5 ओम एस के साथ सीरीज में लग जाए तो एस ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी S+5, तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी 50 और 50 हो गई। क्लियर क्वेश्चन में क्या, मैंने 50 हो गई, ब्रिज फिर बैलेंस्ड हो गया, रेशियो क्या होगी आर डिवाइडेड बाई S+5 इज इक्वल टू 50/50। तो पहले ये केस है, दूसरे में ये केस है, तुम 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके एस आ जाएगा, एस को किसी भी इक्वेशन में पुट करके आर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, पहले बैलेंसिंग लेंथ 60 और 40 है और एस है, एस के साथ 5 लगाया तो 50 और 50 हो गया, तो दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आर और एस कैन बी कैलकुलेटेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो नल पॉइंट कहां पर है 40 पे है, तो ये कितना है 60 है, ये नहीं लगा हुआ, ठीक है बस इतना ही पढ़ो अभी। तो अगर ये नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट है जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है 0, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नल पॉइंट है, तो बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं इसे, तो रेशियो क्या बनेगी इसकी आर अपॉन एस इज इक्वल टू 40/60। इक्वेशन में 1 क्लियर है। अब वो ये कह रहे हैं इफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, तो अब इसकी इक्विवेलेंट क्या बनेगी 12 × S/12+S, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी रह गई 50, बोलो रेशियो क्या बनेगी आर डिवाइडेड बाय दिस इज 50/50, तो इसको बैलेंस कर दिया आर अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50/50, फिर से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो आर से आर कैंसल हो जाएगा, तो सॉल्व करके एस आ जाएगा, एस आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके आर भी आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ऊपर की रेजिस्टेंस की रेशियो लेंथ की रेशियो के इक्वल करके आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ये रूल क्या है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें,
इस क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू द गैप्स इन अ मीटर ब्रिज. तो चलो रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, तो टोटल वायर की लेंथ 1 मीटर, वो तो पता ही है. एक अननोन रेजिस्टेंस है जो 2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू की है एक्स, तो इस गैप में हमने लगा दी. बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर आई? एल फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पॉजिटिव से ये ए पॉइंट है, तो बैलेंसिंग लेंथ हमेशा एंड से मेजर कर किया जाता है एल. तो ये कितने 100 माइनस एल. तो पहली रेशियो क्या बनेगी? आर अपॉन एक्स इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल. क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? फिर क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं ऑन इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स. तो एक काम करो, अगले केस में जहां ये आर था ये एक्स था, तो ये एक्स कर दो और ये आर कर दो, इंटरचेंज कर दिया. तो जो बैलेंसिंग लेंथ है फर्दर शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए राइट की तरफ. तो पहले बैलेंसिंग लेंथ एल पे थी, अब नई बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट हो गई, तो कितनी हो गई? एल प्लस 20. तो ये देखो और रेशियो क्या बनेगी? एक्स बाई आर, अब आर बाई एक्स नहीं, अब एक्स बाई आर इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ एल प्लस 20. तो दूसरे साइड की बैलेंसिंग लेंथ क्या है? 100 माइनस एल प्लस 20, क्योंकि लेफ्ट साइड एल प्लस 20, तो राइट साइड 100 में से एल प्लस 20 माइनस कर दो. तो ये रेशियो क्लियर है 2. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो पहले केस में आर बाई एक्स एल बाई 100 माइनस एल, आपने इंटरचेंज कर दिया आर और एक्स को, तो एक्स बाई आर हो गया और बैलेंसिंग लेंथ एल से 20 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट हो गई, तो ये रेशियो आ गई. इन दोनों को फिर से आप मल्टीप्लाई कर लो. इस बार मल्टीप्लाई करने से आर क्या हो जाएगा? कैंसल. सॉल्व करके एल की वैल्यू आ जाएगी. एक बार L आ गया, ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट करके X भी आ जाएगा. मेथड समझ में आ रहा है कि रूल क्या है इसमें, कैसे रूल बनेंगे इसमें? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? क्वेश्चन है इस मीटर ब्रिज में नल पॉइंट इज एट 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए. तो ये 60 है, तो ये कितना है? 40 है. तो रेशियो बोलो पहले क्या है? एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 60 बाई 40. क्या स्टेप क्लियर है? फिर अगला केस है व्हेन 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वाई. तो ये कितना हो गया? वाई प्लस 15. तो नल पॉइंट इज फाउंड टू शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स एंड ए, यानी कि ए की तरफ, लेफ्ट की तरफ. तो पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 60. सेकंड केस में 10 लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो नई लेंथ क्या होगी? 50. 10 सेंटीमीटर लेफ्ट चले गए तो 50. तो ये लो, पहली क्वेश्चन तो क्लियर है. दूसरी क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई प्लस 15, क्योंकि 15 अपने रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई वाई के साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ 50 बाई 50. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई. लेकिन क्वेश्चन कुछ और है. क्वेश्चन ये है कि फाइंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट. केस नंबर 3, पहला और दूसरा केस तो इसलिए गिवन है ताकि आप एक्स और वाई निकाल सकें, तीसरा केस है नल पॉइंट निकालें. अगर 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद वाई, तो वाई के साथ अगर मैंने क्या लगा दिया? 30 ओम इन पैरेलल. ये तीसरा केस है. तो बोलो ये क्या बनेगा? वाई इंटू 30 वाई प्लस 30. तो बैलेंसिंग लेंथ अब मुझे निकालनी है, तो रेशियो क्या बनेगी? एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू 30 वाई प्लस 30 इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल. आपको एल निकालना है. एक्स और वाई आप पहले दो केस से निकाल चुके हो, सॉल्व करके एल कैन बी कैलकुलेटेड. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? हो जाएगा सॉल्व ये. तो पहला केस, दूसरा केस एक्स और वाई, तीसरे केस में ये नई रेजिस्टेंस आ गई 30 और 30 वाई के साथ कनेक्ट करके 15 आ गई, तो
तो x अपॉन 15 एल बाई 100 माइनस एल में x तो 45 आया हुआ है ऊपर और नई y की वैल्यू 15 है, तो यहाँ से l आ गया। When two known resistances R and S, X को मत सोचना, R और S लो, are connected in left and right gap of a meter with the balance point is found to be distance of L1 from zero end। तो ये क्या है L1? तो ये कितने 100 माइनस L1। तो पहली रेशियो क्या बनेगी, R by S is L1 by 100 माइनस L1। क्लियर है, पहली क्वेश्चन क्लियर है। अब वो कह रहा है कि अब एक काम करो, अननोन रेजिस्टेंस इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल टू S, एस के साथ अननोन रेजिस्टेंस लगा दी एक्स, बैलेंस पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो गया L2 पे, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, आर अपॉन एक्स और एस पैरेलल में ऊपर और L2 बाय 100 माइनस L2। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डिवाइड कर लें, आर से आर कैंसिल, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ऐसा कुछ आएगा। आप अपने टर्म में निकाल सकते हैं, बट डिवाइड करके एक्स आ जाएगा आंसर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो सब्जेक्टिव शीट नंबर असाइनमेंट में सब्जेक्टिव शीट नंबर 27, आप घर जाके ये पूरी की पूरी शीट, आज के लेक्चर मीटर बिच के ऊपर बेस्ड है, ये सारी की सारी आपने अगली बार सॉल्व करके लानी है, जो आज करवाया ये सारे का सारा इसमें ट्राई करना है। ठीक है,